नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सितंबर का मंथ शुरू होने वाला है और सितंबर का मंथ शुरू होने पे हम अपनी विंटर की सीडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा विंटर की सीडलिंग के ऊपर होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, जो आज मैं बताने वाला हूँ, सारी सीडिंग आप सितंबर के मंथ में और अक्टूबर के मंथ में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक विंटर की सीड्स की परचेजिंग नहीं की है तो आप कर लीजिए। डहलिया, दोस्तों डहलिया का प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है और इसके फ्लावर भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा होता है। आप इसे अपने विंटर में अपने गार्डन में जरूर लगाएं। अगला है अस्तर। अस्तर के फ्लावर भी बहुत अच्छे होते हैं। और पेटूनिया, पेटूनिया तो हमारे गार्डन में मस्ट है। इसके बिना तो विंटर का कलेक्शन अधूरी लगती है। आप इसे अपने गार्डन में इस बार जरूर शामिल करें। जिनिया, आपको मैं जितने फ्लावर दिखा रहा हूँ ये सारे फ्लावर बहुत ही खूबसूरत हैं। आइस प्लांट, अगला है बबूना। स्वीट सुल्तान, साल्विया, डायंथस, नेस्टेट्रियम, पेंजी, डेजी, कैंडिटॉफ, ऑर्नामेंटल काले। दोस्तों, ये फूल एकदम कैबेज की तरह खिलता है। पेटोनिया, दोस्तों पेटोनिया में हमारी बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप कोई भी लगाइए सब बहुत ही प्यारे हैं सारे। वर्बीना, इसके फूल भी दोस्तों बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे 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 बहुत सारे खिलते हैं ये गुच्छों में। थिथोनिया, एलिजम, दोस्तों इसकी खुशबू बहुत तेज आती है और पूरे गार्डन को महकाती है। पोपी, दोस्तों पोपी का फूल भी का साइज बहुत बड़ा होता है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। कैंडुला, थनबर्जिया, कैरिनेशन, स्वीट पी। दोस्तों इसकी बेल होती है, आप इसे गमले में लगाए तो एक दो ही प्लांट लगाए। कॉसमोस, दोस्तों कॉसमोस आपके दो आते हैं, आपका समर्स का भी कॉसमोस आता है और विंटर का भी, ये विंटर के हैं। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड में भी आपके कई कलर्स आते हैं। ये जाफरी है जो कि रेड में आता है। आपके बिग साइज़ में मैरीगोल्ड और भी आपके आते हैं फ्लावर, अभी मेरे पास वो है नहीं। पेटोनिया, दोस्तों ये सारे फ्लावर्स आप अपने विंटर में लगा सकते हैं। आप जब भी मार्केट से इनको परचेज़ करें, कोई भी आप सीड परचेज़ करते हैं तो दोस्तों आप उसके पहले पीछे से डेट ज़रूर चेक कर लें कि वो एक्सपायर है या फिर इसी मंथ का है, इसी ईयर का है। दोस्तों इसमें कुछ हमारे सीड्स बिल्कुल छोटे छोटे बारीक जैसे होते हैं, आप उनको ग्रो करने के लिए इस तरह की कोई भी ट्रे ले लें और उसमें नीचे छोटे छोटे हॉल करके आप इन्हें कोकोपीट में फिल करके इस तरीके से उगा सकते हैं।
मैं सभी को इन्हीं छोटे छोटे यहाँ पे मैंने डाल के उनके मैंने सबके टैग लगा दिए हैं कौन से सीट्स कहाँ पे है। बाकी बाद में भी उनको फिर एक एक निकाल के अलग अलग शिफ्ट कर लूँगा। इन छोटे छोटे सीड्स को आप किसी गमले में भी डाल के उगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।